वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ज्योमेट्री का पार्ट थ्री। इससे पहले मैंने दो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कवरअप करा चुका हूँ। इस टॉपिक से हम टोटल 450 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 1 से 30 तक के वीडियो सॉल्यूशन। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको इस सेशन से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज में ये चार टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट वन से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट वन से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट वन से लेकर के पार्ट 27 वीडियो में। और प्रॉफिट एंड लॉस 343 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट वन से लेकर के पार्ट 34 वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे, चैनल के आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। देखिए, अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है या नहीं। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं थे, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा गया है कि एबीसीडी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम हुज साइड एडी एंड बीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ एंगल एबीसी 72 डिग्री देन द मेजर ऑफ द एंगल बीसीडी इज। कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, हमने बना दिया इस तरह से। साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है, एक बाहर से सर्किल है और उस जो ट्रेपेजियम है उसके चारों जो वर्टेक्स हैं, यानी चारों जो शीर्ष हैं, वो टच कर रहे हैं सर्किल के सरकम, यानी चारों जो इसके शीर्ष हैं वो सर्किल के ऊपर है। चलिए नाम दे देता हूं एबीसीडी, तो ए बी सी एंड डी। अब यहां पे कंडीशन दिया गया कि एडी पैरेलल टू बीसी, एडी जो है बीसी के पैरेलल यानी समानांतर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि कुल एंगल एबीसी, ए बी सी, बीच वाला एंगल के बारे में बात की जा रही है। ये वाला एंगल है 72 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि एंगल बीसीडी, बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। लेट सपोज ये वाला एंगल एक्स है। अब देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइन की, दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्स लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट सपोज ये अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री होता है। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, लाइन की प्रॉपर्टी होता है लाइन इज टू बी एक्सटेंड टू बी मिनिमाइज। हमने देखो आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, देखो एक तिर्यक लाइन आपको इसको कट कर रही है, ये दो पैरेलल लाइन था उसको एक तिर्यक लाइन कट कर रही है। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। ये 72 है, मान लेते हैं ये वाई है, तो 72 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 72, यानी y की वैल्यू हो गई 108 डिग्री। यानी हमारे पास ये मिल गया कि ये y जो है 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक ट्रेपेजियम के बारे में आप पढ़े हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, इनका सम क्या होना चाहिए, 180। यानी 108 प्लस इसका एंगल क्या है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 108, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 72 डिग्री। और हमें यही x निकालना था, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है, 72। आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी 72 डिग्री। और ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं था, एक तो बेसिक लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी, दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक ट्रेपेजियम की अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। बस वो दोनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया, इफ एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 50 डिग्री देन द इंटरनल अपोजिट एंगल इज। देखिए लेट सपोज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मान लेता हूं ए बी सी,
एनडी, सॉरी फॉर दैट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। इसका जो है क्या कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल यानी बाहर वाला ये वाला एंगल की बात किया जा रहा है, ये वाला एंगल ये कितना है 50 डिग्री है। आपको पता है, देखो मैं ये वाला जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये ये और ये, देखो मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको पता है कि ये अगर 50 है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, उस पर जितने भी एंगल होते हैं उन सारे का सम क्या होता है 180। यानी अगर ये 50 है, टोटल ये वाला 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 130 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमें पता चल गया 130 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या, इंटरनल अपोजिट एंगल। इंटरनल एंगल ये पता चल गया कि 130 है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। लेट सपोज ये x है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। यानी 130 प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। यानी ये वाला एंगल अपोजिट वाला, ये वाला क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी क्या था, एक लाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, हमने बना लिया एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस। ए बी, चलो मैं यहां पे थोड़ा डायग्राम को नीचे कर लेता हूं, रोम्बस है एबीसीडी, रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। तो ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू सी कट ए डी प्रोड्यूस एट पी, ए डी को प्रोड्यूस किया जा रहा है पी तक, उसको सी लाइन कट कर रही है। यानी ये वाला पॉइंट क्या है, पी है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, एंड ए बी प्रोड्यूस एट क्यू, ए बी ये वाला ए बी लाइन है, इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया क्यू तक, क्यू एंड देखो Q और किसके द्वारा कट हो रहा था, C के द्वारा। यानी ये वाला पॉइंट क्या है, Q। इफ DB इज इक्वल टू, कंडीशन दिया गया है DP इज इक्वल टू हाफ AB, यानी DP जो है AB का आधा है। अब देखिए DP कौन सा है, DP लाइन ये लाइन है और AB लाइन ये लाइन है। यानी सिंपल सा चीज है, आपको अगर मैं बोलूं कि अगर ये देखिए, अगर ये दो यूनिट है, मैं मान रहा हूं ये दो यूनिट है, तो डीपी इसका क्या है, आधा। यानी ये क्या है, वन यूनिट है। और आपको पता है, अब आगे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बीक्यू अपॉन एबी, बीक्यू अपॉन एबी का हमें लेंथ पूछा जा रहा है, इसका रेशियो क्या होगा। देखिए अब ध्यान से यहां पर समझने वाली बात है, मैंने क्या कहा कि ये दो यूनिट है, तो डीपी क्या होगा, उसका आधा है एबी का, यानी वन यूनिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ा है रोम्बस, रोम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की जितनी भी लेंथ है, सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल। यानी ये भी, ये रोम्बस क्यों है, ये वाला रोम्बस है, मैं यहाँ पे कलर लेके दिखा रहा हूँ, ये रोम्बस है। तो ये लेंथ अगर दो यूनिट है, तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, क्योंकि रोम्बस में समचतुर्भुज में क्या होता है, आल लेंथ इक्वल। यानी जो चारों के चारों जो लेंथ है, चारों के चारों भुजा है, साइड है, वो क्या होंगे, इक्वल, दो दो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक चीज और समझने वाली बात क्या है, यहां पे देखिए ध्यान से। अब रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, ये दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं रोम्बस में, और ये वाला लाइन क्या होता है, पैरेलल। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज की। तो अगर मैं देखिए, अब यहां पे मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये बड़ा वाला, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। देखिए ध्यान से, एक छोटा वाला, ये वाला। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, क्यों, कैसे पता चलेगी, देखिए ध्यान से। एस, अगर मैं बोलूं ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर मान लो मेरा एक्स है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, एक्स, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन पे मान लो ये पैरेलल लाइन है, दो लाइन, ये एंगल अगर एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों, ये वाला
ये वाला ट्रेंगल दोनों में क्या है कॉमन, मैं दोनों ट्रेंगल बना ही लेता हूं, ट्रेंगल ए पी क्यू ट्रेंगल बी सी क्यू। देखो इसमें ए पी क्यू में ये वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू यहां पे एंगल बी बराबर है एक्स एक्स, क्यू दोनों में कॉमन है, यहां भी क्यू है और यहां भी दोनों में क्यू क्या है कॉमन है, तो ए ए प्रॉपर्टी से आपको क्या हो गया सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों, क्या होंगे ट्रेंगल सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाएंगे ट्रेंगल तो आप सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट लगाओ ए पी अपॉन बी क्यू बी सी, ये लिखने बता चुका हूं, जो उनको नहीं पता चल रहा है मैंने ज्योमेट्री 35 वीडियो कॉन्सेप्ट की बनाया हूं 70 डे नाम के कोर्स से, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देखिए आपको तब समझ में आएगा। पी क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, ये लिखने की प्रॉपर्टी बता चुका हूं। अब इन दोनों को हम इक्वेट करने जा रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से एपी एपी, अब देखो एपी क्या हो जाएगा यहां से यहां एपी है तो दो और एक कितना यूनिट हो जाएगा थ्री यूनिट, अपॉन बी सी, बी सी ये कितना यूनिट है दो यूनिट, इज इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू ये है ए क्यू को लिख सकता हूं, ए क्यू को लिख सकता हूं क्या ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ए क्यू को ए बी प्लस बी क्यू अपॉन नीचे क्या है बी क्यू, हमने इन दोनों को इक्वेट किया था। अब देखिए ध्यान से थ्री बाई टू ऐसे ही रहने देता हूं, इसको डिवाइड करूंगा तो ए बी अपॉन बी क्यू प्लस इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा वन, यानी कि ए बी बाई बी क्यू क्या हो गया थ्री बाई टू, ये इधर आ जाएगा माइनस वन, यानी क्या हो गया वन बाई टू। हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया ए बी, हमारे पास आ गया ए बी बाई बी क्यू आ गया वन बाई टू, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया बी क्यू अपॉन ए बी, इसके उल्टा पूछा गया है बी क्यू अपॉन ए बी क्या हो जाएगा टू अपॉन वन, यानी रेशियो क्या हो जाएगा टू इज टू वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या करना था, दो प्रॉपर्टी यूज करनी थी, एक तो पैरेलल लाइन का, तीन प्रॉपर्टी, एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, दूसरा सम जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टी, और थर्ड सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हो। ज्योमेट्री में क्या है कि हर एक पॉइंट्स आपको दिखता है, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको सारा कुछ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या कहा जाए, इफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विथ अनइक्वल साइड, इफ डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी, ए चलो यहां पे ए बी सी डी मान लेता हूं इस तरह से ए बी सी एंड डी, आप कहीं भी मान सकते हो ए बी सी डी सीक्वेंस वाइज। अब क्या कहा गया, डायगोनल ए सी, ए सी का डायगोनल ये रहा और बी डी, ये दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी एंगल क्या है 90 90 90 90 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आगे का क्या कहा जा रहा है, कौन सा रिलेशन, इसमें यही क्वेश्चन में ही है कि कौन सा रिलेशन मैच कर पाएगा, तो अब खुद देखो ध्यान से देखो 90 डिग्री के वाले के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, लेट सपोज ये वाला पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैं ओ मान रहा हूं, तो आप लिख सकते इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहा हूं, देखो इस वाले ट्रेंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इस तरह से हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है बी सी स्क्वायर, इक्वेशन वन मान लिया। अब इस ट्रेंगल में आते हैं, इस वाले ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में ये OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाला हाइपोटेनस CD स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब उसी तरह से अब मूव कर रहे हैं, अब इस वाले ट्रेंगल में देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रेंगल में मूव कर रहे हैं, तो इस वाले ट्रेंगल में क्या हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। अब उस ये जो बचा ये वाला बच गया ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस, इक्वेशन फोर। अब ये चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं वन टू थ्री फोर को, तो देखो ध्यान से ओ बी दो टाइम्स में है, ओ डी दो टाइम्स है, ओ ए दो टाइम्स है, ओ सी दो टाइम्स है, यानी दो कॉमन कर लूं, दो कॉमन कर लूं क्या हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 इंटू ओ ए प्लस ओडी, देखो ओ ए प्लस ओडी क्या है, चलो ओ ए प्लस ओबी, यहां से देखो ओ ए प्लस ओबी ये है, ओ ए प्लस ओबी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, हमने इन दोनों को लिख लिया ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये वाला देखो ये क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। अब देखो ये दो टाइम्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, सिर्फ क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस टू सी डी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा सी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर ओनली बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये कौन सा मैच कर रहा है आप जाके देखो, ध्यान से देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है आपको, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा मैच कर गया बी, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, चारों ट्रेंगल में यूज किया, और चारों ट्रेंगल में यूज करने के बाद उसको समेशन करके हमने क्वेश्चन को बना लिया। तो क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं था, हर एक चीज दिख रहा है, अगर आप करने का तरीका पता है आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप कोई भी मेथड जाओ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ ए नॉन स्क्वायर रोम्बस इज ए बी सी डी 4:5। लेट सपोज कोई एक नॉन स्क्वायर, यानी कि इनकी नॉन स्क्वायर का मतलब साइड इक्वल नहीं है, ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी क्या है एक रोम्बस है जिसका जो साइड है वो इक्वल नहीं है, एंगल ए ये वाला और ये वाला इन दोनों का रेशियो, एंगल ए अपॉन एंगल बी का रेशियो दिया गया है 4:5 दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, आप पढ़ चुके हो कि रोम्बस अगर रहेगा तो उसकी साइड तो इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे नॉन स्क्वायर यानी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन रोम्बस क्या होते हैं एक दूसरे से पैरलर होते हैं, और जब भी मैंने बताया था कि पैरलर लाइन होगा तो अगर कोई एक तिर्यक लाइन काटे, ये वाला एंगल दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180, और ये वाला एंगल क्या है टोटल कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 180 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिग्री के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 डिग्री, 5 यूनिट की वैल्यू 100 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 100 डिग्री। और आप रोम्बस की प्रॉपर्टी और भी पढ़ चुके हो, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, यानी अगर ये एंगल है 180 डिग्री तो ये वाला भी एक इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, और यही तो पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या हो गई 80 डिग्री। रोम्बस में क्या होता है अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, अगर पूछ देता एंगल डी कितना होगा तो 100 डिग्री, यानी हमसे पूछा गया एंगल सी तो सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि एबीसीडी इज ए रोम्बस हुज साइड ए बी इज 4 सेंटीमीटर। कोई एबीसीडी एक रोम्बस है, हम रोम्बस बना लेते हैं, ये ए है बी सी एंड डी, एबीसीडी एक रोम्बस है जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर, और आप रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि रोम्बस क्या होता है उसका जो हर एक साइड होता है वो इक्वल होता है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, एंगल ए बी सी 120 डिग्री, एंगल ए बी सी ए है बी है और सी है, और बीच वाला एंगल की बात किया जा रहा है 120, यानी ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी इज इक्वल टू, ये डायगोनल ये वाला कहा जा रहा है बी डी की लेंथ फाइंड आउट करो, बी डी क्या होगा, देखो दोनों डायगोनल को मैंने यहां से मिला दिया, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट करता है
बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अगर आप मेरी नहीं समझ में आती है, आप मेरी ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी देखो, जाके 70 डेज कोर्स के नाम से मैंने बनाया, 35 वीडियो में मैंने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया, वहां से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब खुद सोचो, और जब भी डायगोनल ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से बनता है, टोटल 120 है, तो ये वाला 60 और ये वाला 60 हो जाएगा, ये क्या है 90 है। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, खुद सोचो, कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, तीनों कोणों का सम क्या होता है 180, तो 90 और 60 150, तो ये वाला क्या होगा 30, तभी तो तीनों का सम क्या होगा 180। यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे पास ये पता चल गया कि ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। अब देखिए ध्यान से, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं O, तो देखिए ध्यान से, ट्रायंगल OAB में, OA OAB OAB में हम कर रहे हैं, ये देखिए मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये वाला A है, ये O है और ये B है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, ये 4 यूनिट है, ये क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 30 डिग्री है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं, साइन 30 लगा दें, साइन 30 इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, साइन 30 क्या होता है पी अपॉन एच, साइन 30, साइन 30 क्या होता है पी, पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, 30 डिग्री के सामने वाला ये पी हो गया, तो पी कितना हो गया ओ बी अपॉन एच, एच क्या है ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 4, साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ओ बी बाई 4, तो ओ बी क्या मिल गया ओ बी इज इक्वल टू 2, हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला लेंथ क्या है 2। अब खुद सोचो, रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 2। हमारे पास पूरा पूछा गया बी डी क्या होगा, तो 2 और 2 बी डी 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर। तो देखिए हमने इसमें किया क्या, हमने इसमें सिर्फ किया क्या, रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज की है, उसके बाद रोम्बस की प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे का 90 डिग्री पे और इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, दोनों क्या होंगे बराबर। दूसरी चीज, बाइसेक्ट कैसे, डायगोनल मिलते कैसे हैं एंगल बाइसेक्टर से, अगर ये 120 था तो ये 60 हो गया, ये 90 तो है तो ये क्या हो जाएगा 30, साइन 30 डिग्री लगा दिए, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमारा ओबी मिल गया, ओबी जैसे ही मिला 2 यूनिट तो ये भी क्या होगा इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही ओबी मिल गया तो पूरा का पूरा लेंथ बीडी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये क्या है हमारे पास, ये है सर्किल, इस सर्किल का कॉर्ड, लेट सपोज हमने एक कॉर्ड मान लिया, इरेज कर दूं, देखिए कलर भी चेंज कर देता, ये लेट सपोज ये ए बी क्या है एक कॉर्ड है, ये ए और बी क्या है एक कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस क्या होता है, ये सर्किल का सेंटर है, लेट सपोज इसको ओ से डिनोट कर दो, तो सर्किल का ये क्या है रेडियस आर, ये भी क्या बनेगा रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है रेडियस, और जो कॉर्ड था हमारा ए बी वो भी रेडियस के इक्वल, यानी ये भी क्या होगा आर, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब क्या कहा जाए, द एंगल विच द कॉर्ड सबस्टेंस इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू। अब जो कॉर्ड से जो एंगल का सेगमेंट मेजर बनेगा, वो मेजर कौन से बनेगा, यहां पे इस तरह से बनेगा मेजर एंगल, इस कॉर्ड से हमें मेजर एंगल बनाना है, तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल की वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। अब ये एंगल की वैल्यू मान लेता हूं ये एक्स है, ये एक्स पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए आप खुद सोचो, कोई भी एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल, तीनों साइड क्या है इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होगा तो वो कौन सा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सम, क्या उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होगा, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सर्किल में, सर्किल में क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो कि सेंटर पर, जैसे ये कोर्ड है, कोर्ड के सेंट, ये कोर्ड का सेंटर है, ये वाला क्या है कोर्ड से बना,
कोण से बना एंगल सर्कमफेरेंस पे अगर ये एक्स है तो ये उसका डबल होता है 2x। यानी कि सिंपल सच्ची हमने पढ़ चुके हो कि सर्कमफेरेंस पर का एंगल और उसी से बना एंगल सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, डबल। अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, 2θ। यानी कि ये अगर एक्स है तो ये क्या है, 2x। 2x की वैल्यू दी गई है क्या, 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। यानी सिंपल है, ये इसका डबल है तो ये क्या होगा, आधा, यानी 30 डिग्री। आंसर कौन सा मैच कर गया, ए इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या था, इसमें दो प्रॉपर्टी यूज किया हमने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक सिंपल बेसिक सर्किल के कॉन्सेप्ट को, और हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हर एक क्वेश्चन में आप यही देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके ही एक क्वेश्चन बन जाता है। और यही ज्योमेट्री का नेचर है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा जा रहा है कि ए बी 8 सेंटीमीटर एंड सी डी 6 सेंटीमीटर आर टू पैरेलल कोण ऑन द सेम साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। कोई एक सर्किल है, हमने सर्किल बना लिया, सर्किल के दो कोण हैं ए बी और सी डी, हम कर ले रहे हैं यहां पे ए बी और सी डी, और दोनों क्या है, सेम साइड है, ए बी और सी डी दोनों सेम साइड है। ए बी का लेंथ कितना है, टोटल ए बी कितना है, ए बी है 8 सेंटीमीटर और सी डी क्या है 6 सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने ए डी को ऊपर लिया क्योंकि ये बड़ा है लेंथ और ये छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच, जैसे ये दोनों है ए बी और सी डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, लेट सपोज ओ इज द सेंटर। आप पढ़े हो प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो, कि अगर कोई भी सेंटर, सर्किल का सेंटर है, अगर उसकी कोर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो लेट सपोज पहले मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 8 सेंटीमीटर था, उसको दो हिस्सों में बांट देगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी लेंथ क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मान लेता हूँ ये एम पॉइंट है, उसी तरह से वही सेंटर अगर नीचे वाले कोर्ड को भी जाएगा तो इसको क्या करेगा, दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। ये M पॉइंट था, ये मान लेता हूं N पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, आप खुद पढ़े हो कि अगर सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, रेडियस, ये रेडियस R है। सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन क्या होगा, ये भी क्या होगा, R। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, अब हम करने क्या जा रहे हैं, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये वाला डिस्टेंस मैं मान रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x। तो एक बार ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की बात किया जा रहा है, मैं इस ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, ट्रेंगल मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रेंगल ओ ए एम, राइट एंगल ट्रेंगल ओ एम में, तो बताओ ये क्या है, हाइपोटेनस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ x का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ट्रेंगल, इस वाले ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं, इस वाले राइट एंगल, सॉरी फॉर दैट, देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं, ओ सी एन, ओ सी एन, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये वाला क्या है, लेंथ, रेडियस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखिए ये इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे थे, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये x है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस ये इधर 10 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू यहां पे 2x है,
16 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। हमारे पास मिल गया x की वैल्यू 3। देखो ये x की वैल्यू 3 मिल गई। अब देखो इस ट्रेंगल की बात करें, इस ट्रेंगल की देखो, मैं इस ट्रेंगल को बाहर निकाल रहा हूं। ये है 90 डिग्री, ये 3 है और ये 4 है, क्योंकि x की वैल्यू पता चल गई और ये रेडियस था, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा 5। रेडियस कितना हो जाएगा, आंसर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक था कि आपने इतना ज्यादा मेहनत किया। दूसरा तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर सकते थे। मेथड 2 एग्जाम में कैसे करते, देखिए ये कोई सर्किल था, इसका ये दिया गया था ए बी, दूसरा कोड दिया गया था सी डी। हम इक्वेशन ना बना करके, ये सेंटर था, ये जैसे ही सेंटर डिवाइड करेगा तो ये 4 और ये 4 में बढ़ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसको बांटेगा कितना, 3 3, क्योंकि टोटल 6 था। अब खुद सोचो, ये ये 90 डिग्री होगा ना, ये रेडियस है आर, और यहां से यहां भी क्या है, रेडियस है आर। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल के, खुद सोचो, देखो ध्यान से। अब मैं अपने आप डाटा सेट कर रहा हूं, ये 4 है, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है ना 3 4 5, उसको यूज करके देखते हैं। ये 4 है और ऑलरेडी है कि ये आर को अगर मैं 5 लूंगा तो ये क्या होगा 3, और ये वाला डिस्टेंस दिया गया था कितना है 1 यूनिट। तो अब देखिए खुद सोचिए, ट्रिपलेट मैच कर रहा है 3 4 5, देखो 3 4 5, दूसरे वाले केस में भी मैच करना चाहिए। अब इस ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से, ये 3 यूनिट है, यहां से यहां 3 और एक कितना हो गया 4, तो ये रेडियस कितना आ रहा है 5, और दोनों केस में रेडियस बराबर हो गया। यानी हमने इस ट्रिपलेट को यूज करके ही आप क्वेश्चन बना सकते हो, रेडियस कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नो नीड टू इक्वेशन आपको दो बना के सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ टू कोर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्किल इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी 90 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ। देखो हमारे पास कोई भी सर्किल है, उस सर्किल का लेंथ दिया गया है ए बी और ए सी। ए बी और ए सी क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये ए बी है और ये ए सी है। क्यों मैंने इस तरह से बनाया, क्योंकि ए बी ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और दिया गया है बी ए सी ये क्या है 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसे ही देखो, अब कभी भी आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि अगर ये, देखो प्रॉपर्टी क्या पढ़ चुके हो कि कोई भी कोड है, अगर ये कोई भी कोड है, अगर वो मान लेते हैं ये कोड है, फॉर एग्जांपल ये कोड है, अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे, डेट मीन्स ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, डायमीटर होगी। यानी ये जो कोड क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर है, यानी ये वाला रेडियस आर है और ये आर है, डायमीटर, तभी तो 2r होता है। यानी कि जब भी ये लाइन होगी ये क्या होगी, डायमीटर होगी, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, तो प्रॉपर्टी से पता चल गया। अब खुद सोचो, एक ये इस पे हम यूज कर रहे हैं, इस पे क्या यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 6 8 10, तो आप खुद सोचो रेडियस निकालना है। अगर ये 8 है और ये 6 है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस यहां से यहां लेंथ क्या हो गया 10, डायमीटर का आधा, यानी ये वाला क्या हो गया 5 और ये वाला 5, क्योंकि रेडियस होता है हाफ। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगा, डी बाई 2, यानी 10 बाई 2, यानी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमने सिर्फ इसमें क्या किया, सर्किल की प्रॉपर्टी यूज की एंड पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट यूज किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड इज 8 सेंटीमीटर, दो पैरेलल कोड का डिफरेंस, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड इज 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में मैं मिस्टेक कर रहा था कि एक सर्किल है, इस सर्किल का दो कोड है, लेट सपोज ये कोड ए बी है, मैं थोड़ा सा सही से बना दूं, कलर भी चेंज कर देता हूं। देखिए ये लेंथ क्या है, ए बी है, एक कोड ए बी है, दूसरा कोड में मान लेता हूं ये सी डी है।
दोनों कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये वाला भी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ए बी भी क्या है 8 सेंटीमीटर का लेंथ है और सी डी भी क्या है 8 सेंटीमीटर का, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, सर्किल का क्या है ये सेंटर है, सेंटर को मैं मान लेता हूं ओ, ठीक है। तो डायमीटर, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा 10/2 दैट मींस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होता है ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ये यहां से भी क्या, ये क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहां से भी क्या है, ये भी क्या है रेडियस, क्योंकि आप पढ़ चुके हो रेडियस क्या होता है सर्कमफेरेंस पे, सेंटर से जितनी भी सर्कमफेरेंस पे लाइन ड्रॉ की जाएगी सेंटर से सारी क्या कहलाती है रेडियस कहलाती है। अब खुद सोचिए, मैंने एक और प्रॉपर्टी बताया था कि सेंटर, अगर कोई एक कोर्ड है सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको दो हिस्सों में बांट देगा, तो देखो ये सेंटर है इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया, टोटल 8 था तो ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा। उसी तरह से इस सेंटर से मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको दो हिस्सों में बांट देगा, ये वाला ये 8 था ये भी तो ये 4 और 4 हो जाएगा। अब खुद सोचो, और हमें निकालना क्या है ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्ड, ये वाला लेंथ निकालना। अब खुद सोचो पाइथागोरस थ्योरम से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो 5 4 दिया गया है तो ये क्या होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये वाला लेंथ क्योंकि ये क्या है हाइपोटेनस ये बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, देखो ध्यान से इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये 4 है ये 5 है हाइपोटेनस तो ये क्या होगा 3 ही होगा, और यहीं दोनों का लेंथ पूछा गया, ये लेंथ कितना हो जाएगा 3 + 3 दैट मींस 6 सेंटीमीटर, यानी दो पैरेलल कोर्ड के बीच का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया इसमें, सिंपल क्या है, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया एक तो रेडियस क्या होता है, दूसरा ये वाला प्रॉपर्टी, आफ्टर डेट हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट करके हमने यूज कर लिया। तो ज्योमेट्री में यही है कि दो कॉन्सेप्ट को मिलकर के एक क्वेश्चन तैयार होता है, 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट इसमें यही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेरे पेड कोर्स हैं 2, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग कोर्स जिसकी फी है 300 रुपीज, अगर आपको रीजनिंग टॉपिक वीक लग रहा है आपकी रीजनिंग सेक्शन वीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एज वेल एज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम भी कवरअप हो जाएगा, 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और वीडियो क्या होगी बाइलिंगुअल। एक साइंस कोर्स है जिस कोर्स की फी है 499 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन मिलेंगे, इसके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, ये कोर्स भी क्या है बाइलिंगुअल है यानी हिंदी और इंग्लिश, और जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये साइंस कोर्स, क्योंकि आपको जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपको 4 ऑप्शन दे रखा हूं आप किस तरह से पे करोगे, आपने कोर्स के बारे में तो जान लिया आप पे कैसे करोगे, तो पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन है, गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है, फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर गिवन है, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर डिटेल्स दिया गया है। अब बात आती है उसके बाद पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आप पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं तो इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में लिंक है आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।